हेलो पीपल, बोलो ना। हेलो हेलो पीपल, हमारी पहली एनिवर्सरी है। ये लोग पता नहीं हंसी क्यों आ रही है, मुझे बोलना है कुछ और ये कुछ बोलने नहीं दे रहे। तो हैप्पी एनिवर्सरी। मैं घुटनों पे बैठना चाहती हूँ, मतलब हम अभी ऑलरेडी बेड पे बैठे हैं तो मुझे ऐसे करने पड़ेगा। विश, थैंक यू बेबी, थैंक यू एंड हैप्पी एनिवर्सरी। पहली एनिवर्सरी हमारी और आज के दिन ही हमारी शादी। आज के दिन हमारी शादी, एक साल हो गया शादी हुए। और ये मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू वेरी मच। इसे खोलेंगे अभी हम। और ये तुम्हारा गिफ्ट। ये मेरा गिफ्ट है। मैंने तुम्हें पूछा नहीं, सॉरी। तो अभी मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ आप लोगों की। मैंने इसके अलावा भी और कुछ लिया आपके लिए, ये मेरी तरफ से। चलो मैं पहले अपना गिफ्ट निपटा देता हूँ, है ना। सही कार्ड है, हैप्पी एनिवर्सरी। ऑब्वियसली यू नो शीतल लव्स टू गिव सरप्राइजेस एंड मुझे इससे पहले भी दो तीन सरप्राइजेस। अभी तो फिलहाल पेस्ट्री है। सो इसमें लिखा हुआ है, ये नहीं, इसके पीछे मैंने काफी कुछ लिखा है, आई थिंक। ये एक नॉर्मल जो विश हर कार्ड में लिखी रहती है, नॉर्मल विश है। और ये मेरे लिए स्पेशल, इसमें मैंने काफी कुछ लिखा है, बट थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने में। और ये कुछ पर्सनल लिखा हुआ है, आई गेस। ये मैं खुद पढ़ और किसी को नहीं दिखाना चाहूंगी, खुद ही पढ़ लूंगा मैं, बट स्टिल बेबी हैप्पी एनिवर्सरी फॉर डे व्हाटएवर टू कम। ओहो, इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं है लोगों को भी। चलो थैंक यू वेरी मच। टाइम आप लोग देख सकते हो, 12:15 हो चुके हैं। एंड वेट वेट वेट, एक और हम खोल लेते हैं जब आए तो, है ना। आई डोंट नो क्या है इसमें, बट आई एम क्वाइट एक्साइटेड। इन्होंने वैसे, तुमने गेस क्यों किया था इसके अंदर क्या है? इन्होंने गेस किया था कि इसके अंदर टी-शर्ट है, बट इसके अंदर टी-शर्ट नहीं। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि इनको भी नहीं पता चला कि इन्होंने मेरे लिए गिफ्ट किया, मुझे भी नहीं पता चला कि मैंने इनके लिए गिफ्ट किया। परफ्यूम फॉरएवर, इन्हें पता है मुझे परफ्यूम काफी पसंद है। मेरे पास काफी अच्छा कलेक्शन है ऑलरेडी, 4-5 परफ्यूम है मेरे पास। अरे अरे, मेरी मौज कितनी आ रही है यार। और ये पसंद आएगा या नहीं, मुझे लगा कि मैंने काफी बार तुम्हें ये सब चीज दिया, बट कुछ समथिंग स्पेशल होना चाहिए। अरे ये क्या है यार, ये अच्छा लग रहा है। यू नो मैं शिव जी बहुत बड़ी फैन भक्त हूं, तो ये मैंने एक गोल्ड का डेफिनेटली तो लिया है, तो मैं चाहती हूं ये हमेशा तुम जो लोग नहीं आ सकते हम क्या करें, हम लोग बाहर है अभी, तो जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए ये है, ठीक है। ये मेरा गिफ्ट है। तुम हंसी क्यों आ रही हो? अगर इसके अंदर कुछ फनी सा हुआ ना तो अच्छा लगेगा, मुझे वैसा फील हो रहा है। आई थिंक इसमें वॉच है, बट वॉच तो आई थिंक मुझे दे चुके हैं, तो वॉच आई थिंक इसमें। खोलो खोलो जल्दी खोलो, मैंने अपने नेल्स तोड़ दिए ना, इसलिए मुझे इसे खोलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ओह माय गॉड, सीरियसली, वाओ यार, ऑसम। ये तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपको मजा बहुत आएगा, ये भी सिर्फ स्टार्टिंग है। कुछ लोग हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, सो ब्लॉग आप देखना जरूर, मजा आएगा आपको पूरा ब्लॉग देखने। बाकी हम थोड़ा खाते हैं केक वगैरह एंड एंजॉय करते हैं। होपफुली ऐसी ब्लॉग्स देखते रहना, आगे कई सारी एनिवर्सरी हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। यू विल एंजॉय केक।
सबके पास चलते कौन क्या कर रहा है स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं एंड फाइनली मैम जो ये शूट कर रहा था बिहाइंड द कैमरा इधर आना जो ये शूट कर रहा था बिहाइंड द कैमरा वो ये है हमने इसने बहुत हेल्प करी आज के पूरा हाँ ये इसकी बहन है इसने भी काफ़ी हेल्प करी आज
फ्री हमें जैसा हमें अच्छा लगा हमने वैसा किया। और हमारी फैमिली साथ नहीं क्योंकि हम दूर हैं अभी, हम मिस कर रहे हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा। एंड मतलब वो आने को पूरा उनका प्लान था जैसा भी कोई नहीं, नेक्स्ट हम लोग हम सेलिब्रेट करेंगे उनके साथ ऑब्वियसली। दिस इज मतलब जितनी आगे आएंगे उससे पहली स्टार्टिंग है, काफ़ी अच्छी हमारी फैमिली आपने पूरा देखा उन्हें, एंड आगे भी हम बनाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।